हेलो गाइस, वेलकम बैक टू त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब। तो गाइस, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नौकरी के शेयर के बारे में, यानी कि इन्फो एज के शेयर के बारे में। तो अगर आप किसी भी शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं बट आप कंफर्म बाय नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। ये आपको काफी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। और रही बात कंफर्मेशन की, तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको कंफर्म करने वाला हूँ कि यह शेयर आपको कितनी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है और कितने समय के अंदर। इस वीडियो में मैंने आपके साथ काफी पॉइंट्स क्लियर किए हैं, जिससे आपको काफी क्लियरली समझ में आ सकता है कि ये जो है काफी अच्छी हमें बाइंग के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है शेयर को। यह शेयर को हमें बाय करना चाहिए, आपको काफी अच्छी प्रॉफिट दे सकता है। इस तरह के वीडियोस हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने आज के इस वीडियो में आपके साथ ये 6 पॉइंट्स कवर किया है। नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग और जो इन्फो इसका प्राइस अर्निंग है वो आपके साथ डिस्कस किया है। और गाइस, नंबर सेकंड में आप देख सकते हैं मैंने जो इन्फो इसका शेयर परफॉर्मेंस आपके साथ डिस्कस किया है 1 वीक टू 1 ईयर का। और नंबर थर्ड में आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ इसका फाइनेंशियल डिस्कस किया है, वो भी क्वार्टरली का चार्ट लगा करके। और नंबर फोर में गाइस आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ इसका शेयर होल्डिंग डिस्कस किया है कि किसके पास जो है कितने परसेंट तक का शेयर होल्डिंग है। और नंबर फाइव में आप देख सकते हैं मैंने आपको रियल चार्ट पे इसके टारगेट एंड सपोर्ट्स क्लियर किए हैं कि अगर आप इस शेयर को यहाँ पे बाई करते हैं तो ये शेयर कितना ऊपर तक जा सकता है, आपको कितने तक का प्रॉफिट हो सकता है, ये टारगेट्स कहाँ तक जा सकते हैं। और गाइस, नंबर सिक्स में आप देख सकते हैं मैंने आपको RSI और MACD से कंफर्म कराया है कि ये आपको क्लियरली बाइंग सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है या नहीं, या फिर ये आपको कितना ऊपर जाने के बाद वापस से सेल का सिग्नल दे सकता है। तो गाइज, आप हमारे इस वीडियो में बने रहें, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गाइज, अगर पॉइंट नंबर वन में देखें तो इसका प्राइस अर्निंग मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसका इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग जो है 83.62 का है। और जो गाइज आप देख सकते हैं इन्फोएज का जो प्राइस अर्निंग यानी कि नौकरी का जो प्राइस अर्निंग है वो 46.72 है। तो लगभग गाइज आप कह सकते हैं लगभग जो है ये अपने इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग से जो इन्फोएज का प्राइस अर्निंग है वो आधे प्राइस पे आप कह सकते हैं गाइज, आधे प्राइस पे आपको अवेलेबल है। तो गाइज काफी सस्ती प्राइस पे ये शेयर आपको अवेलेबल है। डिविडेंड की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो शेयर है आपको 0.16% का डिविडेंड प्रोवाइड करता है। तो गाइज काफी अच्छी ये शेयर आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है। पॉइंट नंबर टू में मैं आपको इसका परफॉर्मेंस क्लियर करता हूँ। तो गाइज इसका परफॉर्मेंस जो है 1 वीक का इसने परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड कराएगा इस -5.48% तक का। तो गाइस आप देख सकते हैं 1 वीक में इसने थोड़ा कम किया है, लेकिन आप देख सकते हैं 1 मंथ में इसने काफी अच्छी रिटर्न्स प्रोवाइड किया आपको 2.11% का। तो गाइस काफी अच्छी है, आपके साथ डिस्कशन क्लियर कर रहा है 1 मंथ का। और अगर 6 मंथ की बात सॉरी गाइस 3 मंथ की बात करें तो आप देखते हैं 3 मंथ में इसने 8.68% तक का आपको काफी क्लियरली नेट इनकम यानी गाइस परफॉर्मेंस आपके साथ इसने क्लियर किया है। और गाइस वापस से अगर 6 मंथ में आया तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में फिर से इसने आपको माइनस पॉइंट्स कवर किए हैं। 1 ईयर की बात करें तो आप देखते हैं इसने 1 ईयर में काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड किया गाइस 64.10% तक का। तो गाइस काफी अच्छी है शेयर आपको 1 ईयर में, यानी कि थोड़े लंबे समय के लिए अगर आप शेयर को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, काफी समय के बाद काफी अच्छी आपको ये प्रॉफिट दे सकती है। तो गाइस ये मैंने 2020 का लगभग यानी गाइस पिछले ईयर का आपको ये परफॉर्मेंस क्लियर किया है। तो गाइस शायद आपको इसके वजह से थोड़ा आपको डाउन लग रहा होगा कोविड-19 की वजह से। अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग की तो आप देख सकते हैं मैंने शेयर होल्डिंग का इसका चार्ट लगा रखा है। और गाइस यहाँ मैंने समरी और ये इधर आपको ट्रेंड ही दिख रहा होगा, मैंने ट्रेंड लगा रखा है। और आप देख सकते हैं इसका जो प्रोमोटर्स के पास जो है शेयर होल्डिंग है दिसंबर 2020 में 38.47% तक का शेयर होल्डिंग था। और गाइस मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 38.41% का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस थोड़ा सा डिक्रीज यानी प्रमोटर्स ने किया है, अभी भी ये 38% का शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। तो गाइस अगर FIA की बात करें तो आप देख सकते हैं FIA के पास दिसंबर 2020 में 40.54% का शेयर होल्डिंग था। और मार्च 2021 की बात करें तो आप देख सकते हैं 39.33% का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस FIA ने काफी अच्छी परसेंटेज शेयर होल्डिंग अपने पास कर रखी है। और अगर DIA की बात करें तो आप देखते हैं DIA के पास जो है दिसंबर 2020 में 11.4% तक का शेयर होल्डिंग था। और अभी जो है आप देख सकते हैं मार्च 2021 में 11.25% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस काफी अच्छी शेयर होल्डिंग अपने DIA ने भी रखे हुए हैं, 11% तक का शेयर होल्डिंग है। और गाइस अगर पब्लिक की बात करें तो आप देखते हैं पब्लिक के पास जो है दिसंबर 2020 में 9.48% तक का शेयर होल्डिंग था। और आप देख सकते हैं मार्च 2021 में अपने पब्लिक ने भी शेयर्स को थोड़ा और इंक्रीज किया है और अभी ये 10.82% तक का शेयर होल्डिंग रखे हुए हैं। तो गाइस अगर समरी की बात करें तो आप देखते हैं मैं आपको क्लियर करता हूँ इसका। तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स के पास जो है 38% तक का शेयर होल्डिंग और काफी बड़ा ग्राफ आपको दिख रहा होगा गाइस। और FIA के पास भी है 39% तक का शेयर होल्डिंग काफी बड़े ग्राफ के साथ। और आप देख सकते हैं DIA के पास जो है 11% तक का शेयर होल्डिंग और पब्लिक के पास जो है लगभग 11% तक का शेयर होल्डिंग है। तो गाइस काफी अच्छी शेयर होल्डिंग सभी ने कर रखी है और आप ग्राफ से आपको इंक्रीज और काफी क्लियरली दिख रहा होगा गाइस, मैंने परसेंटेज भी आपको क्लियर किया है। आप भी शेयर को बाई कर सकते हैं और थोड़े समय के लिए होल्ड करने के साथ इन सब के साथ जुड़ सकते हैं और काफी अच्छी प्रॉफिट आप भी बना सकते हैं। तो आइए गाइस मैं इसका चार्ट क्लियर करता हूँ। आपको देख सकते हैं आप मैंने 1 डे कैंडल के साथ जो है नौकरी यानी कि इन्फोएज का चार्ट लगा रखा है। और आप गाइस काफी क्लियरली देख रहे होंगे कि अपने ये जो है अपने अभी ये जो है रेगुलरली आपको
कैंडल के साथ आपको ये बियर स्कैंडल प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इस शेयर की बात करें तो आप देखते हैं ये शेयर जो है आपको अप ट्रेंड बना रहा है 0.17% से। तो गाइज मैं आपको आके क्लियर करता हूँ, ये नॉर्मल कैंडल पे आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए गाइज मैंने इसे नॉर्मल कैंडल कन्वर्ट किया और आप देख सकते हैं काफी क्लियरली आपको ये ट्रेंड रिवर्सल जो है आपको कैंडल प्रोवाइड कर रहा है, डोज कैंडल वो भी बुलिश कैंडल के साथ। और आप देख सकते हैं इसने अपने जो है अपने सपोर्ट को अचीव करने के बाद ही ट्रेंड रिवर्सल प्रोवाइड करने के चांसेस आपको काफी क्लियरली ये दे रहा है और काफी क्लियरली आपको ये इंडिकेट कर रहा है। तो गाइज ये अपने सपोर्ट को अचीव किया है और हो सकता है अगले दिन आपको काफी क्लियरली सिग्नल्स तो मिल ही रहे हैं, आपको काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो आइए मैं आपको कन्वर्ट करता हूँ, फिलहाल अभी आपको ये क्लियर करता हूँ इसके टारगेट्स एंड सपोर्ट्स। तो आप देख सकते हैं इसने अपने टारगेट को अचीव करने के बाद ये डाउन ट्रेंड बनाना शुरू हुआ था और ये अभी तक अपना सपोर्ट अचीव किया है जो 5015 पे क्लियरली बन रहा है, और इसको सपोर्ट को अचीव करने के बाद आपको ये ट्रेंड रिवर्सल भी प्रोवाइड करा रहा है। तो गाइस इसका सेकंड सपोर्ट मैं आपको क्लियर करूं तो इसका सेकंड सपोर्ट बन रहा था ये 4740 पे काफी क्लियरली। तो गाइस अगर ये इसको ब्रेक डाउन करके आगे बढ़ता तो ये सेकंड सपोर्ट तक भी आ सकता था, लेकिन आप देख सकते हैं इसने अपने फर्स्ट सपोर्ट अचीव करने के बाद आपको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स भी प्रोवाइड की है। और अगर इसी तरह आगे बढ़ता है और अप ट्रेंड बनाता है तो आप देख सकते हैं गाइस इसका जो है फर्स्ट टारगेट काफी क्लियरली आपके सामने जो 5527 का बन रहा है, और अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है अचीव करने के बाद तो काफी अच्छी टारगेट्स आपके सामने हो सकती है जो 5880 के क्लियरली आपके सामने बन रहे हैं। तो आइए मैं आपको सिग्नल्स के क्लियर करता हूँ कि अगले आपको कौन से सिग्नल्स मिल रहे हैं। फिलहाल आपको कैंडल स्टिक जो है बुलिश के यानी कि बाइंग सिग्नल और काफी अच्छे सिग्नल्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं आपको आरएसआई से कन्वर्ट करने और क्लियर करने वाला हूँ कि ये आगे आपको कौन सा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो है आपको काफी क्लियरली अभी तो ये आपको सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं आरएसआई भी काफी नीचे जा चुका है और काफी वीक हो चुका है। तो यहाँ से आपको बाइंग सिग्नल मिलने के काफी चांसेस बन रहे हैं। तो गाइस हो सकता है जब अगले दिन आपको ये कैंडल स्टिक आपको काफी क्लियरली और काफी इस तरह से बड़े कैंडल अगर प्रोवाइड करे तो आरएसआई आपको काफी क्लियरली बाइंग सिग्नल्स प्रोवाइड कर सकता है, और आरएसआई भी हो सकता है गाइस काफी क्लियरली करने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं क्योंकि आरएसआई जो है काफी वीक हो चुका है। तो इस शेयर को बाय करने के लिए आप अपने पोर्टफोलियो में, सॉरी गाइस, आप अपने वॉच लिस्ट में इस शेयर को ऐड कर सकते हैं और अगले दिन आप फोकस जरूर करें इस ट्रेडिंग सेशन पे, और अगले दिन आप इसके चार्ट को व्यू जरूर करें। अगले दिन आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ काफी अच्छी और काफी बड़ी बाइंग सिग्नल के साथ आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स भी प्रोवाइड हो सकती है बुलिश के। तो आइए गाइस मैं आपको ये एमएसडी यानी कि सेकंड इंडिकेटर से कंफर्म कराता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने ये एमएसडी लगा रखा है और ये एमएसडी का ग्राफ लगाया हुआ है। गाइस आप देख सकते हैं एमएसडी जो आपको लास्ट टाइम बाइंग सिग्नल प्रोवाइड किया था 28 मई को, और लगातार बाइंग सिग्नल्स के साथ साथ इसने आपको काफी क्लियरली और 13 जुलाई को आकर इसने आपको सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं 1 डे कैंडल के साथ जो है एमएसडी आपको अभी तक रेगुलरली जो है एमएसडी अनुसार आपको ये सेल का सिग्नल ही प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कैंडल स्टिक आपको काफी क्लियरली बाइंग अपॉर्चुनिटी क्लियर कर रहा है। तो गाइस आगे देखते हैं इसको 4 आवर में कन्वर्ट करके कि हमें कौन सा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए गाइस मैंने इसे 4 आवर में कन्वर्ट किया और आप देख सकते हैं एमएसडी जो है आपको सेल का सिग्नल ही क्लियर कर रहा है अभी तक, और इसने लास्ट टाइम जो है 8 जुलाई को ही सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर दिया था। लेकिन अगर कैंडल स्टिक की माने तो गाइस आप देख सकते हैं 4 आवर में इसने दूसरा कैंडल भी अभी तक किए बुलिश कैंडल शुरू कर दिया है बना, और काफी क्लियरली आपको सिग्नल भी प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइस हो सकते हैं अगले दिन आपको यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको ये सिग्नल प्रोवाइड करे एमएसडी। तो गाइस आप अगले ट्रेडिंग सेशन में फोकस जरूर करें, आपको काफी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है और काफी अच्छी बाइंग सिग्नल भी मिल सकती है। तो गाइस जैसे ही अगर आप इस शेयर में अगर आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और काफी अच्छी पैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, और अगर आपका खुद का कंफर्मेशन बहुत जरूरी है, आप अगर खुद कंफर्मेशन क्लियर हो आपका गाइस तभी इस शेयर में इन्वेस्ट करें। तो गाइस काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ आप काफी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक्स गाइस, इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह का शेयर न्यूज हमेशा पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि गाइस हमारे जो लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, जो नए नए वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।